पंजाब के कप्तान की टीम फाइनल, पीटीआई ने 23 रुकनी सूबाई काबीना का ऐलान कर दिया। 15 वज़रा को महकमे मिल गए, 8 का फैसला होना बाकी। मियां असलम इकबाल पंजाब इंडस्ट्रीज कॉमर्स और सरमायाकारी के वजीर मुकर्रर। डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वजीर सेहत बन गई। अब्दुल अलीम खान को बल्दियात के साथ सीनियर वजीर का ओहदा भी मिल गया। महमूद रशीद हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर होंगे। मुराद राज को महकमे स्कूल एजुकेशन की वजारत सौंप दी गई। राजा बशारत कानून और पार्लिमानी अमूर के वजीर होंगे। मखदूम हाशिम बख्त को वजीर खजाना पंजाब बना दिया गया। समीउल्लाह चौधरी को वजीर खुराक पंजाब का कलमदान मिल गया। फियाजुल हसन चौहान को वजीर इतलात और कल्चर लगा दिया गया। यासिर हुमायूं सरफराज को हायर एजुकेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट के महकमे मिल गए। तैमूर खान अमूर नौजवान और स्पोर्ट्स की जिम्मेदारियां संभालेंगे। राजा राशिद हफीज को रेवेन्यू की वजारत का कलमदान सौंप दिया गया। मोहसिन लोगारी वजीर आपाशी, अंसर मजीद लेबर और मेन पावर के वजीर होंगे। सूबाई काबीना के 8 वज़रा को भी जिम्मेदारियों का इंतजार। मोहम्मद सप्तैन, सरदार आसिफ नकई और हाफिज अम्मार यासर काबीना में शामिल। मलिक नौमान लंगड़ियाल हुसनैन दरेशक, मलिक मोहम्मद अनवर, चौधरी जहीरुद्दीन, हाशिम डोगर के महकमे फाइनल ना हो सके। पंजाब पुलिस के सरबराह को भी तब्दील करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने 3 नामों का पैनल पंजाब हुकूमत को भेज दिया। मोहम्मद ताहिर खान, खालिद दादलिक, फैसल शाहकार के नाम आईजी पंजाब की लिस्ट में शामिल। हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब देंगे। मरकजी जमीयत अहले हदीस का सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। इलेक्शन में धांधली को बेनकाब करने के लिए पार्लिमानी कमीशन की तश्कील का भी मुतालबा। आम इंतखाबात के नतायज इंजीनियर थे। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का मरकजी मजलिस आमला में खिताब। हॉलैंड में गुस्ताखाना काकू के इशात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। आज करप्ट और झूठ बोलने वाले कामयाब हैं। जमात इस्लामी ने कभी ऐसा रास्ता नहीं अपनाया। इस्लाम फिसाद फिल अर्ज की इजाजत नहीं देता। मुल्क में दीन इस्लाम के नफाज के लिए पुरअम तरीका अपनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जमात के 77वें यौम तासीस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब से स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद की मुलाकात। पाक बहरिया की पेशा वराना सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। पीटीआई एमपीए नदीम अब्बास बारा से भी मिले। बोले नए पाकिस्तान के लिए मेहनत और जाफिशानी से काम करना है। वज़ीर आला पंजाब से तहसील तौंसा के मुअज़्ज़ज़ीन के वक्त की भी मुलाकात। वजीर रेलवे ने अफसरान की हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हफ्ते की छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 घंटा मजीद काम करेंगे, 130 दिनों में रेलवे को अपने पांव पर खड़ा करेंगे, शेख रशीद का दावा। अभी बड़ी मछलियों पर हाथ डालेंगे, रेलवे के किराए पर बढ़ाने का फैसला नहीं किया गया। शेख रशीद की रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद की ट्रेन से रेलवे अफसरान उतरने लगे। चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ कुल का वजीर रेलवे के मातहत काम करने से इनकार। कहते हैं शेख रशीद मातहतों के साथ सरकारी आदाब से आ रही हैं। इज्जत सबसे मुकद्दम है। हनीफ कुल ने 2 साल की छुट्टी की दरख्वास्त दी। पाक भारत आबी तनाजा मुजाकरात के लिए भारतीय वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में सिंध तास मुआहदे के तहत
दोनों ममालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मिलाद कौंसिल के जेर तमाम ठोकर न्याज बेग पर रैली, पीटीआई, एमपीए और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका की हॉलैंड के खिलाफ शदीद नारेबाजी, सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। तरीके लबैक के रहनुमाओं का 29 अगस्त को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। हॉलैंड की मसनूआत के बायकॉट का फैसला। सीआईए नवाकोट में मुकदमाए कत्ल की तफ्तीश के दौरान तल्ख कलामी का मामला। पुलिस ने एक घंटा हिरासत में रखने के बाद आबिद बॉक्सर को रिहा कर दिया। आबिद बॉक्सर का तफ्तीशी टीम पर इत्मीनान का इजहार, बोले बाज़मीर पुलिस अफसरान तैनात हैं, मेरिट पर तफ्तीश होगी। उमर विर्क की सब साजिशें अब नाकाम होंगी, अपनी बेगुनाही को तफ्तीश में साबित करूंगा। मुफ्त खाना न मिलने पर गुंडागर्दी। लीगी वाइस चेयरमैन के बेटे की अंधाधुंध फायरिंग, टीबी सिटी में होटल वेटर को शदीद जख्मी कर दिया। वाइस चेयरमैन अंदाज हुसैन का बेटा वकास साथियों समेत होटल आया, मुफ्त नाश्ते का तकाजा किया, इनकार पर ऑफिस से बाहर हो गया। होटल के गरीब मुलाजिम अनवर शहजाद को जख्मी करके फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। रायगढ़ के विस्टा पार्क में बच्चों का कश्ती झूला टूट गया। झूला कई फीट हवा में उछलने के बाद गिरा, दो बच्चे जख्मी। हादसा झूले का लॉक लूज होने के बाद पेश आया, दो पार्क मुलाजिम गिरफ्तार, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर में डाकू बेलगाम, पुलिस पकड़ने में नाकाम। बापटा टाउन में वारदातें थम न सकी, 10 रोज में 5 घरों का सफाया। चोर लाखों की नकदी और सामान ले गए, अहले इलाका सराफा एहतजाज। चोरी की एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। गुलशनदावी में शहरियों ने चोर पकड़ लिया, खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ यूनियन सड़कों पर आ गई। रिक्शे खड़े करके लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, कीमत कम ना होने की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेयर लाहौर मुतहरिक हो गए, मॉल रोड के बड़े हिस्से से बैनर्स उतार दिए गए, लेकिन मुकम्मल सफाया ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के करीब भी सियासी जमातों के बैनर्स ताहाल मौजूद। बत्ती चौक, मोहनी रोड, भाटी चौक में भी सियासी जमातों के फ्लेक्सेस देखे जा सकते हैं। रिजवान गार्डन फेस टू सोसाइटी मनावा में सीवरेज का नाकिस निजाम, गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला। इमाम टाउन ताजपुरा में गंदा पानी गलियों में दाखिल, इलाका जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के लिए 26 खिलाड़ियों का ऐलान। खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, शादाब खान शामिल। मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, जुनेद खान को भी बुलवा। ट्रेनिंग कैंप आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में लगाया जाएगा।